नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब पटवारी भर्ती के एग्जाम के सिलेबस के बारे में, और विस्तार से जानेंगे कि पंजाब पटवारी भर्ती का जो एग्जाम होगा इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स कि एग्जाम पैटर्न को विस्तार से डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब पटवारी की भर्ती आएगी इसमें किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न का ही नहीं पता तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस का आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, उसी बेस पे आप पिन पॉइंट तैयारी करें। जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उसी की तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। क्योंकि 3 साल से अभी कोई भी सरकारी जो भर्ती है वो नहीं आई पंजाब में, तो ऑब्वियस बात है कि कंपटीशन जो होगा वो टफ होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसी के हिसाब से इसको तैयारी करें, और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न पटवारी की भर्ती का, जिसमें जीके के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा। तो जिसमें इसमें सब्जेक्ट क्या है, जीके है वो 15 मार्क्स की आएगी, 15 ही क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स की जीके आएगी। और मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे, जो रीजनिंग से उसके 20 मार्क्स की होगी। और अर्थमेटिक स्किल्स में क्या होगा कि मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होता है कि आपके स्केयर और आपके आयत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे ये पटवारी की भर्ती में स्पेशली एक टॉपिक डाला गया इन्होंने मेंसुरेशन, उससे ही 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट है अर्थमेटिक स्किल का जो दूसरा पार्ट है, उसमें क्या है, अकाउंट्स है। तो अकाउंट 10 मार्क्स का आएगा, और जो बेसिक अकाउंट्स होगा वो 10 मार्क्स का आएगा। और लैंग्वेज क्या आएंगी, 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और पंजाबी, दोनों 5-5 मार्क्स की आएंगी। इंग्लिश भी 5 मार्क्स की और पंजाबी भी 5 मार्क्स की, और इंग्लिश ग्रामर और पंजाबी ग्रामर, बस ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे आएंगे। जो 2016 में जो 15 में भर्ती आई थी, 15-16 में, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पंजाबी ग्रामर के क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए कंप्यूटर और आईटी से क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्रीकल्चर के लिए आपको एक स्पेसिफिक बुक लेनी पड़ेगी, अलग से बुक लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी यहाँ पे तैयारी होगी, क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से। और पंजाब हिस्ट्री और कल्चर, पंजाब हिस्ट्री और कल्चर से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्जाम, और इसी बेस पे कट ऑफ तैयार होगी। तो मीन्स कि इसी एग्जाम के बेस पे, बस इसी एग्जाम के बेस पे ये कट ऑफ तैयार होगी, इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो इसका सिलेबस होता है पटवारी का, तो मीन्स कि जीके के कौन कौन से टॉपिक होंगे, और मैथ के कौन कौन से टॉपिक होंगे, और कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो ये हमारे फेसबुक पेज पर हमने डाल दिया गया है। तो फेसबुक पेज पर जाके आप इस जो सिलेबस को विस्तार से डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने डाल दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में जाके आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और उस फेसबुक पेज को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आएंगी पटवारी भर्ती से रिलेटेड वो उस फेसबुक पेज पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। तो उस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, और समय समय पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।